आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, तो आज के गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, व्हाट इज द आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नेचर। तो इसमें कहा गया कि आइंस्टीन ने हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या बताया था और फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में क्वांटम नेचर का क्या मतलब है। तो आइंस्टीन ने हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि जो अगर एक हमारी एक ये मेटल सरफेस है, ये मेटल है और इस पे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो इसमें कहा गया था कि जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटॉन्स की वो एच म्यू है। तो जो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट है, तो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या था, जो हमारे फोटोन होते हैं, हमारे फोटोन उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। जो एनर्जी होती है वो ऐसी नहीं होती, कंटिन्यूस नहीं होती कि रेंज होती है पर्टिकुलर 100 to 200 तक की इनकी रेंज होती है, नहीं, इनकी एक फोटोन की जो एनर्जी होती है पर्टिकुलर फिक्स होती है। तो जो फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये जो होती है एच म्यू होती है। अगर कोई एक फोटोन आ रहा है तो वो फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, और कोलिजन होने के बाद में अगर इस फोटोन की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये इसको बाहर निकाल सके, तो इसको बाहर निकालता है और एमिशन यानी कि इसका एमिशन होता है, बाहर निकल जाता है और इसको एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने कहा था, व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एब्जॉर्ब का मतलब यानी कि वो ले लेता है, एब्जॉर्ब बाई द इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग टू वेज। यानी कि वो इस एनर्जी का इस्तेमाल कितने तरीकों से करता है, दो तरीके से करता है। फर्स्ट तो होता है इजेक्टिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करता है, एक वर्क फंक्शन की तरह काम करता है। तो एनर्जी का पहला पार्ट जो होता है वो उसका काम किस में होता है, वर्क फंक्शन में, ठीक है, वर्क फंक्शन यानी कि फाई नॉट बराबर एच म्यू नॉट। और सेकंड पार्ट जो होता है प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो हमारी इंसिडेंट एनर्जी थी एच म्यू, उसका उपयोग हम दो तरीके से करेंगे, एक तो वर्क फंक्शन में यानी कि इलेक्ट्रॉन को उस मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए, साथ साथ में उस एनर्जी का हम उपयोग कहाँ पे करेंगे, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ये आइंस्टीन इक्वेशन थी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।